more time. अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी. देखो बेटे, व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी जो होगी ठीक, वो क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से निकालते हैं ठीक, इसको देखना है. देखो बेटा, जो सैंपल हमारे पास डेली लाइफ में मिलते हैं, क्या वो 100% प्योर होते हैं? नहीं बेटा, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. तो कई बार हमें ये बताना पड़ता है कितना परसेंट प्योर है, या कई बार हमें उसके प्रोडक्ट निकालने होते हैं. तो चलिए, लेट मी डिस्कस परसेंटेज प्योरिटी आउट ऑफ दिस. अब हम इससे परसेंटेज प्योरिटी निकालने की करेंगे कोशिश. देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल वाला. शुरुआत में आपको बोला व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द वेट ऑफ लाइम एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन, बाय डीकंपोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 50% प्योर. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द वेट ऑफ लाइम एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय डीकंपोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 50% प्योर. हमारे पास 50% प्योरिटी दे रखी है और हमसे पूछा कितना वेट लाइम का, कितना वेट कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा जब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, जो कि 50% प्योर है. देखो बेटा, इक्वेशन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन है. अब सबसे पहला काम क्या होता है इसका, आज आप पहली बार आए हैं बड़े दिनों बाद, तो बेटा अगर नहीं आए तो प्लीज बताना जरूर. देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जैसे कि हम लिखते आए हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. बेटा इक्वेशन की जहां तक बात करेंगे ठीक, तो इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो ये है, ठीक है जी. तो इक्वेशन जो है वो ये है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी हैव टू डू दिस ठीक. नाउ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 100 ग्राम, ठीक है जी. वो कैसे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 ठीक. ये कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है ठीक, क्योंकि यहां पे इसका वेट दिया गया था तो मैंने यहां वेट लिखा. अब हमें इसका वेट पूछा है तो इसके नीचे भी इसका वेट लिखेंगे. इसका वेट कितना हुआ, 40 ये और 16 ऑक्सीजन, कितना हुआ 56 ग्राम, कितना हुआ 56 ग्राम. और रही बात इसकी बेटा वॉल्यूम पूछी है, इसकी वॉल्यूम पूछी है तो हमें इसके नीचे इसकी वॉल्यूम लिखनी है. बेटा यहां पे एक मोल रिएक्ट कर रहा है, एक मोल बन रहा है, तो एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है मेरे बच्चों, 22.4 लीटर ठीक है. ये हो गया एसटीपी पे वॉल्यूम, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. बट हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस, हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है. गिवन है 10 ग्राम ऑफ दिस, ठीक है जी, और हमसे इसको पूछा है, इसको पूछा है. बट क्या ये 10 ग्राम 100% प्योर है? नो, 10 ग्राम इज ओनली 50% प्योर. तो हमें पहले वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालना होगा. तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा बेटा, 50/100 × 10, 50/100 × 10,
तो बेटा यहां से इसको कैंसिल कर दो, यहां से इसको कैंसिल कर दो, 5 ग्राम हो गया कि नहीं? तो एक्चुअली दिस 10 ग्राम इज नॉट रिएक्टिंग, इट इज ओनली विच इज 5 ग्राम विच इज रिएक्टिंग। तो पहले आपने प्योर वेट निकाल लिया, प्योर वेट था 5 ग्राम। अब इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब हमें पता है कि पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो कैसे करेंगे बेटा, हमें यहां से पता चल रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स हाउ मच बेटा, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 56 अपॉन 100, एंड हाउ मच वेट इज देयर, इट इज ओनली 5 ग्राम। तो 5 ग्राम जो है वो है 56 बाय 100 इनटू आ गया 5, यहां से वेट आ गया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का। सिंपल क्वेश्चन है। अब दूसरी तरफ अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की क्या निकालनी थी, वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 100 ग्राम कितना दे रहा है, सो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो 1 ग्राम विल गिव, दैट इज 22.4 डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास एक्चुअली प्योर वेट कितना है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम विल गिव 22.4 by 100 into 5. So hence we can solve for carbon dioxide. सबसे पहला, सबसे सिंपल, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई, बोलो आई कि नहीं आई, जल्दी यस लिखने का। गुड गुड गुड, यस बेटा 5 ग्राम इज 100% प्योर, यस शाबाश, गुड बेटे। तो ये सब बच्चे आपको समझ में आ गया, ठीक है जी, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक, कि कैसे हम इसमें परसेंटेज प्योरिटी करते हैं। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड सॉल्व योरसेल्फ एंड गेट द कॉन्फिडेंस। लिखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम एट एसटीपी, what is the volume at STP of oxygen can be formed? Can you pardon? What is the volume at STP of oxygen can be formed by decomposition of 100 ग्राम ऑफ KClO3, 100 ग्राम ऑफ KClO3 with 85% purity, इक्वेशन दी है KClO3, 2 KClO3 इज गिविंग अस 2 KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, हमें इसका 100 ग्राम दिया है विच इज 85% प्योर। आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है एसटीपी पे, तो आपको बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी बाय 100 ग्राम ऑफ KClO3 विच इज 85% प्योर। जो 85% प्योर है उससे हमें निकालना है। चलिए जल्दी क्विकली करके बताइएगा।
पोटेशियम का एटॉमिक मास पूछ रहे हो 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलो जल्दी करके दिखाने का, समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूं। अकॉर्डिंगली पोटेशियम क्लोरेट जो था उसका वेट था 245, दो मोल्स है तो 245 ग्राम, और ऑक्सीजन मिल रहे 3 मोल्स, इसकी वॉल्यूम पूछी है तो 2 × 22.4 लीटर, ठीक, ये वॉल्यूम हो गया इसका। अब बेटे दिया था 100, लेकिन प्योर कितना है 85%, तो 100 का 85% इज 85, तो हमें 85 ग्राम से निकालना है, तो 245 ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स 3 × 22.4 लीटर, तो 1 विल गिव एंड 85 ग्राम विल गिव, यहां से निकाल लेंगे। बोलो क्लियर अभी? चलो शाबाश। अब लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट डीकंपोजिशन, is formed by complete decomposition of 54 gram of ammonia, 54 gram of ammonia, which is 50% pure, which is 50% pure. So please repeat. Yes, beta. मैंने कहा, what is the weight of nitrogen? Question है, what is the weight of nitrogen? What is the weight of nitrogen and volume of hydrogen which can be formed by complete decomposition, complete decomposition of ammonia, which complete decomposition of 54 gram of ammonia, which is 50% pure. The question hai ki what is the weight of nitrogen and volume of hydrogen which can be formed by complete decomposition of 54 gram of ammonia which is 50% pure. Equation hamare paas de rakhi hai beta, dhyan dena, NH3 ke 2 mole giving us N2 plus 3H2, theek. So this is equation, just solve it very quickly. ओके, सी क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना था। पहली बात, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना है। यहां पे बेटे नाइट्रोजन अमोनिया, यहां से कितना आ गया 17, तो 2 × 17 यानी
2 into 17 आपके पास कितना वेट हुआ 34 ठीक 34 ग्राम। अब इसके बेटा आपको पूछा वेट तो इसके नीचे इसका लिखो वेट, वेट हुआ 28 ग्राम। पर इसका पूछा वॉल्यूम इसके नीचे लिखो वॉल्यूम कितने मोल है 3 तो 3 into 22.4 लीटर। Now given here is 54 ग्राम, given कितना है 54 ग्राम है but which is 50% pure। तो आप प्योर अमोनिया देखिए, प्योर अमोनिया दैट इज 50/100 ऑफ 54, 27 ग्राम आ गया। तो यानी यहां पे 27 ग्राम से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना था, ठीक है जी, 27 ग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताना। तो हमें समझ में आता था कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गिव्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गिव्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया विल गिव 28/34 और 27 ग्राम विल गिव 28/34 इनटू 27। इसको सॉल्व करिएगा You will get your answer done for nitrogen. और वहीं पर hydrogen के लिए 34 gram of ammonia gives how much? 3 into 22.4 liter of hydrogen. तो 1 gram will give 3 into 22.4 liter divided by 34. And you are given with 27 gram. So 27 gram will give 3 into 22.4 by 34 into 27. So this is how you have to solve this. Bolo bete, clear hai ye question ab? Tista, I want your answer bete. Aapko clear hua ki nahi? Kartik ka yes, Sukrit ka yes, Nitin ka yes, Arpit, sir, dono have calculated. Okay. Yes, 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 Ketan ka yes. Please, I'm not getting your answer, please. Puneet ka yes, Azan ka yes, Purva ka yes, Harshita ka yes. Dono calculate volume which is not pure also. Bete, Arpit, jara aap on karke boliyega, kya puchna cha rahe ho mujhse? Se? Aapki chat badi jaldi khatam ho jati, pata nahi chal raha hai usme. To boliye, kya puchna cha rahe ho, Arpit, quickly. बेटा इनप्योर वॉल्यूम कुछ नहीं है, वॉल्यूम तो यहां प्योर ही आएगा बेटा जी, क्योंकि हम प्योर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, हम प्योर से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इनप्योर की बात नहीं हो रही, यहां प्योर ही वॉल्यूम ही निकलेगा हाइड्रोजन का, ठीक है जी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हो गया ये अब आपको पहले परसेंटेज प्योरिटी दी है तो कैसे करना है आई थिंक सो इजीली समझ में आएंगे। अब देखो बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अब ध्यान देना है। अब क्वेश्चन में हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, अभी तो हमें दी थी, अब हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं बेटा। देखो बच्चे, ये जो भी बच्चा बार बार आ करके किसी किसी के नाम से, ठीक, किसी कभी किसी के नाम से एंटर हो जाता है, कभी किसी के नाम से एंटर हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए आई एम लॉकिंग माय क्लासरूम, ठीक, ताकि ऐसा ना हो भाई आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी।
कुछ लोगों का काम ही है यार। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें बोला गया 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5600 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, अब हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, ठीक दी नहीं हुई है। अब हमें यह पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे हम लोग तो हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब हम यहां अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इज 22.4 लीटर एट एसटीपी, क्योंकि एक ही मोल है, ठीक है जी। यहां पे हमें मिलीलीटर में दिया है तो क्यों ना मैं इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, ये मिलीलीटर आ गया एट एसटीपी, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें ये बोला है कि ये 10 ग्राम है, ठीक, हमें ये 10 ग्राम पता है, पूरा प्योर नहीं है, उसके करने के कई सारे तरीके, पर एक तरीका ये है कि हमारे पास गिवन जो है वो 5600 मिलीलीटर का मिला है, हम ये देख लेते हैं कि ये कितने कैल्शियम कार्बोनेट से मिला होना चाहिए, ये कितने कैल्शियम कार्बोनेट से मिला होना चाहिए, वो प्योर का वेट होगा, ठीक। तो देखो हमें यह समझ में आया कि ये जो है वो इतने ग्राम से मिल रहा है, यानी 22400 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय, 22400 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मिलीलीटर विल बी गिवन बाय 100 अपॉन 22400, 1 मिलीलीटर इज गिवन बाय 100 अपॉन 22400 मिलीलीटर, एंड हमारे पास है कितना 5600 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 22400 इनटू 5600, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे yes. यहां पे आ गया 4, यानी यहां पे बेसिकली हमारे पास कितना आ जाना चाहिए था 25.5, ठीक है ना, 2.5, तो 2.5 ग्राम से हमारे को ये मिलेगा, कितने से मिलेगा 2.5 ग्राम से इतना मिलेगा हमारे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नहीं इट इज 25, इसको ये कर लो 560 मिलीलीटर कर लो बेटा, 25 आएगा, हाँ जी बेटे बिल्कुल देख लिया मैंने, तो 560 मिलीलीटर कर लो आप, 5600 नहीं करके 560 मिलीलीटर कर लो, तो बेटा ये 2.5 आ जाए। अब 2.5 से हमारे पास इतना बनना था, ठीक, लेकिन ये वेट गिवन कितना था, ये वेट गिवन 10 ग्राम था बेटा, ये वेट गिवन 10 ग्राम था, तो परसेंटेज प्योरिटी जो रही होगी, अब हमारे पास एक्चुअली यूज हो रहा है 2.5 और दिया हुआ कितना है 10, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, ये परसेंटेज प्योरिटी आ गई, यहां से इसको कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया 25%। बात समझना कि जो वॉल्यूम हमें दी थी वो हमने निकाल लिया, कितने वेट से बननी चाहिए थी वही प्योर वेट था सर, तो वो देखा वो 2.5 ग्राम से बननी चाहिए थी, तो 2.5 ग्राम इज प्योर वेट, तो परसेंटेज प्योर वेट बाय टोटल वेट इनटू 100, प्योर वेट इज 2.5,
Total weight is 10 into 100. So that answer is 25%. Bolo bete, samajh mein aaya ki nahi aaya? Yes, sir. Okay. So just ऐसे क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी होती है, जो वेट हमें दिया है उसको साइड रखो, आप ये देख लो जितना अमाउंट है वो कितने से बनना चाहिए, वो निकाल लो, वो प्योर वेट होगा। तो प्योर वेट बाय एक्चुअल वेट इनटू 100, ये परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका हो जाएगा। तो अभी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी समझ में आती है कि नहीं आती है? जल्दी बोलना यस और नो। तो चलो फिर एक क्वेश्चन इस पे भी करो ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना रहे इसमें। देखिए 106.4 केजी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कितना 106.4 ग्राम केजी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। चलो शाबाश, जल्दी से करना है। सर यूनिट्स केजी है या ग्राम? बेटे यहां पे केजी है, दोनों जगह पे केजी। हमने बोला है इतने केजी इज गिवन बाय इतने केजी, इतने केजी इज गिवन बाय इतने केजी। तो आपको पूछना है परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो। मार जब भी पेपर होगा तो उसके अंदर वो इक्वेशंस दी होंगी। बेटे आपको इक्वेशन नहीं दी गई होंगी, ठीक? पहले मैं दे रहा हूं आपको इक्वेशन, जो मुश्किल वाली इक्वेशन होगी वो डेफिनेटली दी होगी, जो इजी वाली होंगी वो नहीं दी होगी। ओके सर। नहीं बेटा, परसेंटेज पूछा मेरे बच्चे।
शाबाश पूर्वा, थोड़ा सा सही कर लो, पॉइंट हटा लो कहीं पे, ठीक तो ठीक हो जाएगा। आपने छोटी सी गलती की है एक पॉइंट की, बाकी सब कुछ सही है। यस नितिन बिल्कुल सही है बेटा, यस सुकृत इट इज वेरी करेक्ट। अर्चिता पीछे रह रहे हो भाई, देखो बेटा पेन छोड़ो आराम से समझो, जिसको नहीं आया पेन छोड़ो बड़ी आराम से समझो, ठीक। 100 ग्राम ऑफ दिस गिव्स अस 56 ग्राम ऑफ दिस, 100 ग्राम ऑफ दिस गिव्स 56 ग्राम ऑफ दिस, ओके। अजान परसेंटेज पूछी बेटा। अब हमें ये बोला गया है किसका गिवन वेट, जो गिवन वेट है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेटे वो तो 200 ग्राम है, 200 केजी है, पर ये प्योर नहीं है इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे, ठीक। हमें ये पता है कि ये हमें मिल रहा है 106.4 केजी, चलो इसको ग्राम में लिखें, 10^3, ठीक, ये ग्राम में आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें आया 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन बाय 100 बाय 56 और 106.4 इंटू 10^3 ग्राम इज गिवन बाय 100 बाय 56 इंटू 4.6 इंटू 10^3, ठीक है बच्चे। जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो आई थिंक सो 190 के करीब आता है, कितना आता है 190 इंटू 10^3 ग्राम यानी 190 केजी के करीब आ गया। अब 190 केजी वेट हमारे पास प्योर है लेकिन गिवन कितना है 200 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे ये वेट जो कि प्योर है यानी प्योर वेट अपॉन टोटल वेट गिवन इनटू 100। सो प्योर वेट इज 190, टोटल वेट गिवन इज हाउ मच 200 इंटू 100, तो 95% मस्ट बी योर आंसर। बोलो बेटा अभी क्लियर, जिसको नहीं हुआ बड़े प्यार से बताइए सर नहीं हुआ, और जिसको हो गया वो यस लिखें जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, सर परसेंटेज प्योरिटी हमेशा रिएक्टेंट की ढूंढते हैं, ऑब्वियसली बेटा हमेशा रिएक्टेंट की ढूंढेंगे ना, हमारे को वहां से मिला है प्रोडक्ट तो हमारे पास प्योर ही बनेगा ना बेटा। ओके सर, ओके बेटे, चलो और बोलो। पुनीत आपको समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर, ठीक बेटा। सर हाँ जी सुकृत, हाँ जी बेटा बोलो। सर परसेंटेज प्योरिटी का मींस इतना परसेंट प्योर है और बाकी की इम्प्योरिटीज हैं उसमें? हाँ जी बेटे, बाकी की कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती, मिट्टी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ओके सर, ओके। अब देखो बेटा एक मजेदार क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जब आप किसी से निकलवाओगे ना बेटा, है ना, ये क्वेश्चन जब भी आप किसी से निकलवाओगे तो उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा निकालना, है बहुत इजी है। आप देखना क्वेश्चन को, देखना
आपको बोलेंगे व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ KClO3 नीडेड टू फॉर्म, व्हाट इज द वेट ऑफ KClO3 नीडेड टू फॉर्म 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इफ इट इज 80% प्योर। बेटा ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी है उतना ही टफ क्वेश्चन है। सर आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है बेटा, आ गया करो। ये सर आसान है और करो करो अपना अपना सॉल्व करो, जिस जिसको आता है इक्वेशन देना, इक्वेशन दे रहा हूं बेटा KClO3 is giving us KCl plus 3/2 O2, ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना है, सबसे पहला काम है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना है। अब जब हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे तो 122.5 ग्राम ऑफ दिस गिविंग अस 48 ग्राम ऑफ दिस, यानी अगर 100% प्योर होता ना बेटी तो 48 ग्राम इतने से मिलता, ठीक। तो एक बात क्लियर हो गई कि 48 ग्राम के लिए इतना वेट चाहिए अगर वो क्या होता, वो 100% प्योर होता। यस सुकृत, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है, वेरी गुड। लेकिन हमें यह बताना है कि अगर 80% प्योर हो तो कितना वेट हमारे को चाहिए। प्लीज पेन छोड़ के, जिनको भी नहीं आया है पेन छोड़ के यहां समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन अदरवाइज समझ नहीं आए। देखो बेटा बात बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास 80 ग्राम ऑफ KClO3 इज टू बी यूज then total weight taken must be 100 ग्राम। क्यों बेटा? क्योंकि 80% प्योर है, तो अगर 100 ग्राम लोगे तो उसमें से 80 ही यूज होगा। यस हर्षिता, वेरी गुड बेटे, ठीक। नितिन गलत हो गया बेटा, 80 ग्राम ऑफ KClO3 अगर आपको यूज करना है तो आपको 100 ग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी 80% है। तो अगर 1 ग्राम KClO3 प्योर लेना हो तो लेना पड़ेगा 100/80, और 48 ग्राम के लिए हमें इतना लेना पड़ेगा, तो 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 शुड बी नीडेड, देन टोटल वेट इज 100/80 × 122.5, सो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 153 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। देखो बेटे क्या था कि हमसे पूछा था कि 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना KClO3 चाहिए जब वो 80% प्योर हो। हमें ये तो समझ में आ गया कि 48 ग्राम के लिए 122.5 चाहिए अगर वो 100% प्योर है तो, पर इतने वेट से 48 नहीं मिलेगा क्योंकि इम्प्योर है, 80% है। आपको इसका कितना वेट लेना पड़ेगा, ये तो इतना ही मिले। तो हमने देखा कि अगर 80% लेंगे, 80% प्योर होगा तो टोटल वेट लेना होगा 100, क्योंकि प्योरिटी सिर्फ 80%, 100 लोगे तब 80 मिलेगा। तो कहने का मतलब 80 ग्राम के लिए इतना लेना पड़ेगा, एक के लिए कितना लेना पड़ेगा, जितना चाहिए उसके लिए कितना लेना पड़ेगा। कैन वी कैलकुलेट दिस नाउ, और सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, यस और नो? पूर्वा का यस आ गया मेरे पास, शाबाश। कार्तिक का यस आ गया, सुकृत का यस आ गया, केतन का यस आ गया, अजान का यस आ गया, वेरी गुड। दक्ष का भी यस आ गया, दक्ष मेहनत करनी है बेटा। मयंक का भी यस आ गया है, पुनीत का, पावित,
ठीक है भावित कभी टैबलेट का भी होता है। हाँ जी बेटे सर एक्चुअली मैंने इस तरीके से किया है कि मैं आई हैव फाउंड आउट 80% प्योर ऑक्सीजन है सो मैंने प्योर ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया फिर उससे फाइंड आउट किया कि उतनी प्योर ऑक्सीजन के लिए कितनी लगेगी बट सर उसमें भी कुछ गलती हो रही है समझ में नहीं आ रही आप एक बार उस तरीके से सॉल्व कर। हाँ मैं तुमको बताता हूँ उसमें गलती ये हो रही है कि आपका 48% जो है ना बेटा 48 ग्राम है ना ये प्योर ऑक्सीजन होगा। अभी बच्ची ने पूछा था सर इम्प्योरिटी सिर्फ किसकी देखते हैं प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की तो मैंने कहा परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकालते हैं रिएक्टेंट की। आप क्या कर रहे हो आप परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकाल रहे हो प्रोडक्ट की विच इज रॉन्ग। समझ में आई इट इज फॉर रिएक्टेंट ऑलवेज बेटे तो आपको इसका वेट तो यही लेना है उसके लिए ये वेट हमारे को चाहिए था ठीक। अगर वो 100% प्योर होता लेकिन वो 100% प्योर नहीं है वो 80% प्योर है तो 80% के लिए 100 लेना पड़ेगा तो इतने वेट के लिए कितना लेना पड़ेगा वो निकालना है। समझ में आया नितिन? यस सर। तो थैंक यू सर। परसेंटेज प्योरिटी पे मैंने तीन तरह के क्वेश्चन तुम्हें करवाए। पहले में परसेंटेज प्योरिटी निकालनी थी पहले में परसेंटेज प्योरिटी दी थी दूसरे में हमने परसेंटेज प्योरिटी निकाली तीसरे में परसेंटेज प्योरिटी दी है हमने वेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिया है। अभी किसी को कोई दिक्कत है इन तीनों क्वेश्चन में तो बताएं फिर आगे चलूंगा मैं। ओके आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट बात अब हम बात करेंगे। देखो बेटा अभी तक जितने क्वेश्चन आपने तीन दिन से सिर्फ आप इक्वेशंस कर रहे हैं तीन दिन से सिर्फ आप इक्वेशन कर रहे हैं अभी लेवल वन चल रहा है अभी हमने इसमें कुछ किया भी नहीं अभी तो सिर्फ हम इसको पकड़ रहे हैं बारी बारी से हर तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए कैसे करना है। तो परसेंटेज प्योरिटी तक हमने किया पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए आप ध्यान दीजिएगा इन सभी में रिएक्टेंट एक था इन सभी में रिएक्टेंट एक हुआ करता था ठीक है जी। अभी क्या हो गया कि अब आप मान लो दो रिएक्टेंट है अब आगे क्वेश्चन लेते हैं दो रिएक्टेंट है अब ये तो अभी तक जितने 100% रिएक्शन वाली बात थी पर बेटे अगर दो रिएक्टेंट हो ऐसा भी तो हो सकता है एक पहले खत्म हो जाए एक बाद में खत्म हो जो पहले खत्म हो जाए रिएक्शन तो वही खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट कहानी हमारे पास आएगी लिमिटिंग रिएजेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इक्वेशंस को एक स्टेप ऊपर लेके चल रहा हूं हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की जहां तक बात करें हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट is the reactant which is used first in a chemical reaction. एक chemical reaction में हमें वो reactant बताने हैं जो कि मतलब दो reactant है जो पहले यूज अप हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक कैन यू पार्डन व्हिच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक हो जाए इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे बेटा ध्यान दो अगर मुझे यह बोल दिया जाए कि 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन इन अ कंटेनर एंड एक्सप्लोडेड। हमें बोला 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन इन अ कंटेनर एंड एक्सप्लोडेड व्हाट इज द वेट ऑफ वॉटर formed 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम
of oxygen is taken in a container and exploded, what is the weight of water formed? Reaction dekhega, reaction hai H2 plus half O2 giving us H2O. This is the reaction. Now you have to write out according to equation. Equation ke accordingly, beta hydrogen ka kitna gram react kar raha hai? Beta hydrogen ka yahan react kar raha hai 2 gram. Beta oxygen ka kitna react kar raha hai? Beta oxygen ka react kar raha hai 16 gram. Aur hume water kitna mil raha hai beta? Water mil raha hai 18 gram. This is according to equation. This is according to equation. Now, what is given to us? Hame diya hua kya hai? Beta, given hai 100 gram of this and 100 gram of this. Ye given hai. Jab bhi beta ek se jyada reactant aa jaye, kabhi bhi ek se jyada reactant ka weight ya kuch bhi diya ho, to pehla kaam hota hai finding limiting reagent. To hum isme pehle dhoondenge ki limiting reagent kaise nikalenge. Finding limiting reagent. Limiting reagent जो होगा वो होगा जो पहले खत्म हो जाए. हम कैसे निकालेंगे? मुंह जुबानी भी कर सकते हैं, बट पहले चलो पहले थ्योरेटिकली सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो मुंह जुबानी भी सॉल्व हो जाएगा. जैसे यहां से शुरू कर देते हैं, हम बोलेंगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हाउ मच 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 2 ग्राम 16 ग्राम का रिएक्ट कर लेंगे तो 1 ग्राम विल रिएक्ट विथ 16/2 एंड गिवन इज 100 ग्राम. तो 100 ग्राम विल रिएक्ट विथ 100 ग्राम विल रिएक्ट विथ 16/2 इनटू 100, दैट मींस इट विल बी 800 ग्राम. इसका मतलब कि अगर मेरे को 100 ग्राम इसका यूज करना है तो यहां पे 800 ग्राम चाहिए. क्या ये 800 ग्राम है? नहीं. इसका मतलब ये पूरा यूज नहीं हो पाएगा और वो और ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएगा. अगर ये 100 ग्राम यूज करना था तो 800 ग्राम चाहिए था, पर ये तो 100 ग्राम था, ये पहले ही खत्म हो जाएगा. सो ऑक्सीजन विल बी वर्किंग एज लिमिटिंग रिएजेंट. तो ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट हम ढूंढते हैं. मान लो अगर इस साइड का वेट, इसका वेट मान लेते हैं 50 ग्राम आता कि 50 ग्राम चाहिए होता, यहां पड़ा होता 100 ग्राम, चाहिए होता 50 ग्राम, तो बेटा ये बच जाता ना. अगर ये बच जाता तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होता. पर अगर जितना वेट चाहिए उससे कम है तो ये पहले खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. सो हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट? सिंपली यहां से देख लीजिए कि 2 ग्राम रिएक्ट विद 16, तो 100 कितने से रिएक्ट करेगा? अगर 100 से रिएक्ट करने वाला वेट इस गिवन वेट से ज्यादा हुआ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर कम हुआ तो बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट. यस, गॉट इट? यस. तो अब हमें ये समझ में आ गया, as oxygen given is less, as oxygen given is less, therefore it is limiting reagent. It is limiting reagent. As oxygen given हमारे को कम है, इसलिए limiting reagent है. और बेटा question हमेशा limiting reagent से solve होता है, बचे हुए से solve नहीं होता. जो कम होगा वही हमें प्रोडक्ट देगा. देखो बेटे, मान लो मम्मा ने 10 रोटियां दे दी, एक छोटी सी कटोरी में दाल दे दी. जब बेटा दाल खत्म हो गई तो क्या रोटियां सूखी फाक हो गए? नहीं ना, खाना वही खत्म हो गया. अब रोटियां बची रहेगी तो रह गई. उसी तरह से हमारे पास अगर ये पहले ही कंज्यूम होगा तो इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, बाकी तो बचा रह जाएगा. तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमेशा रिएक्शन करना होता है. तो अब हमें देखना है वाटर का वेट कितना बनेगा, हमें सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट लेके चलना है. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर.
So 1 gram is giving 18 upon 16. So 100 gram will be giving 18 upon 16 into 100. I think so 112.5 gram will be your answer. I think so. 112.5 gram answer. इसके approximate लगा लो. बोलो clear हो गया, समझ में आया कि limiting reagent कैसे find out करना है? Yes sir. और limiting reagent को लेकर के question कैसे करना है? बोलो समझ में आया कि? Yes sir. अब मान लो हमसे ये भी पूछा होता कि what amount of hydrogen remains unreacted. बहुत सारे तरीके थे, हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के, बट वैसे भी सॉल्व किया जा सकता था. मैं थोड़े लंबे तरीके से करवा रहा हूं पहले आपको शॉर्टकट. तो ये था कि 112 पॉइंट ये हो गया, हमारे पास टोटल मास 100 प्लस 100 कितना होना चाहिए 200 बनना चाहिए था, लेकिन ये 112.5 बचा, तो बाकी बचा हुआ वो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन होगा. तो 200 में से वो माइनस करो तो बाकी हाइड्रोजन होगा. बट ऐसे मत करो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे हो नहीं पाएगा, तो आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा. अब आपको पता चल गया ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमें समझ में आया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कितना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो 1 ग्राम रिएक्ट विद 2/16 एंड 100 ग्राम रिएक्ट विद 2/16 इनटू 100, सो दैट इज 12.5 ग्राम. तो हाइड्रोजन का रिएक्ट हुआ 12.5 ग्राम, तो हाइड्रोजन लेफ्ट जो बची हुई हाइड्रोजन है वो कितनी है, वो है 100 माइनस 12.5 दैट इज 87.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट. बोलो क्लियर? यस सर. तो चलो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, ठीक लिखिए. हां जी जसमीत, मैं दोबारा बता देता हूं. देखो बेटे, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें ये देखना है कितना हाइड्रोजन बचा होगा. तो बेटा 16 ग्राम 2 से रिएक्ट करता है, 100 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा वो निकाल लो. वो इतने से रिएक्ट करेगा, था इतना, इतने से रिएक्ट कर गया, बाकी बचा कितना, इसमें से ये माइनस कर दो, ये बच गया. बोलो क्लियर अभी जसमीत? शाबाश बेटे. ओके लिखो क्वेश्चन. 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज रिएक्टेड. फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि बची हुई चीज भी निकालनी है और प्रोडक्ट का वेट भी निकालना है. रिएक्शन है H2 plus Cl2 giving us 2HCl. चलो जल्दी करके दिखाने का. H2 plus Cl2 giving us 2HCl. ठीक, हमें बोला 100 ग्राम ये था, 100 ग्राम ये था, बाद में बताना कितना ये बनेगा और कितना जो बचा है उसका कितना अमाउंट बचेगा. जल्दी जल्दी करके दिखाना.
चलो चलो शाबाश जल्दी क्विकली वेरी गुड। तो हमने पहले क्या किया, 2 ग्राम रिएक्टेंट 71 ग्राम 100 दिए हैं दोनों, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया, 2 ग्राम रिएक्टेंट 71 ग्राम तो 100 ग्राम रिएक्टेंट इतना, ये वेट बहुत ज्यादा है जबकि यहां गिवन वेट कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लोरीन के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा 71 ग्राम गिव 73 ग्राम, तो 1 ग्रेव दिस एंड 100 विल गिव दिस, ये वेट HCl का बन गया। हाइड्रोजन कितनी बची, 71 ग्राम ग्राम रिएक्ट विद 2, तो 100 विल रिएक्ट विद 2.5, था ये 100 रिएक्ट हुआ 2.5, बचा कितना 100 में से 2.5 माइनस करो 97.5, बोलो एम आई क्लियर। ओके बेटे अगला करेंगे अगली क्लास में इससे आगे, बट रुके जाइए मत।